हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुमन किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूरिन से संबंधित जानकारी, यानी कि हम आज आपको बताने वाले हैं यूरिन में इन्फेक्शन किन कारणों की वजह से होता है, किन वजह से हमें यूरिन में इन्फेक्शन होता है, और साथ ही अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम पता कर सकें कि हमें यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण होता है यूरिन में इन्फेक्शन होने का कि आप पानी कम पीते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको बार बार ये समस्या हो सकती है यूरिन में इन्फेक्शन होने की। साथ ही अगर आप यूरिन को काफ़ी देर तक रोक के रखते हैं, यानी कि यूरिन लग रहा है और बट आप किसी काम को कर रहे हैं और उस यूरिन को आपने रोक लिया है 5 से 10 मिनट 15 मिनट, तो अब आपको यूरिन में इन्फेक्शन बन सकता है। साथ ही अगर आप कभी भी टॉयलेट का यूज़ करें तो टॉयलेट को बिल्कुल क्लीन हाइजेनिक करके ही उसका यूज़ करें। बैक्टीरिया रहते हैं उसमें, तो आप हमेशा फ्लश चालू करके या उसमें पानी डाल करके ही बाथरूम का यूज़ करें ताकि किसी भी तरह से आपको दूसरे के बैक्टीरिया ना लगे। यहाँ पे मैं आपको 3 कारण बता चुकी हूँ। चौथा कारण है यूरिन में इन्फेक्शन होने का कि आप कभी भी गीला कपड़ा ना पहने। जैसे कितनी बार होता है मौसम चेंज हो जाता है, हम मौसम बारिश के मौसम में कपड़े नहीं सूखते हैं, हल्का सा भी हम हमारा जो अंडरगारमेंट्स होता है उनको गीला पहन लेते हैं, उसकी वजह से भी हमें इसमें यूरिन में इन्फेक्शन रहती है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए यहाँ पे हमें। ये तो हुए सब यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण कि इन वजह से हमें यूरिन में इन्फेक्शन होता है। अब बताते हैं कि यूरिन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि यूरिन के अंदर बहुत ही तेज़ी से स्मेल आती है, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। साथ ही थोड़ा सा बॉडी पेन होता है, कमर पेन होता है, थकावट सी महसूस होती है, काम करने का मन नहीं होता है, काफ़ी पैरों में झुन्नता रहती है, सुन्नता रहती है, कुछ भी मन नहीं होता है करने का। हल्का हल्का हमारा अब्डोमन पेन करता है, पेट में काफ़ी दर्द रहता है, भारीपन रहता है, और साथ ही हमें कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो इन कारणों से हमें पता लगा सकते हैं कि हमें यूरिन में इन्फेक्शन है। साथ ही अगर आप यूरिन करते हैं, यूरिन करते समय आपको काफ़ी तेज़ दर्द होता है पेट के अंदर, जो बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, यूरिन वाली जगह पर भी काफ़ी तेज़ी से पेन होता है, ऐसा लगता है यूरिन आता है, बट हम जब यूरिन करने जाते हैं तो हमें यूरिन नहीं आता है और हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। ऐसी समस्या, ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसमें भी यूरिन इन्फेक्शन एक मेन कारण हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यूरिन का बार बार लगना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जॉब करते हैं और हमें यूरिन बार बार लगता है तो हमें थोड़ी सी हिचक आती है, तो हम यूरिन को रोक लेते हैं, उससे हमारा यूरिन इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी आपको यूरिन का बार बार लगना, बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए मन होना और यूरिन का नहीं आना, यूरिन करते समय दर्द होना और यूरिन करते समय जलन का महसूस होना, यानी कि जब यूरिन करते हैं आप, जब भी पेशाब करते हैं तो आपको बहुत तेज़ी से जलन होती है, जो बिल्कुल भी असहनीय होती है, काफ़ी तेज़ जलन होती है। उस समय आपको ऐसा लगता है कि कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे जलन को कम करें। तो ये सारे लक्षण होते हैं यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होने के। तो यूरिन में इन्फेक्शन होने के मैंने आपको यहाँ पे सारे लक्षण भी बताए हैं किन कारणों से ये होता है, और जब ये हो जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ें महसूस होती है बॉडी के अंदर, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो अब मैं आपको यहाँ से इसकी निजात के उपाय बताने वाली हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और कम से कम यूरिन को रोकें और अच्छे से अच्छा नीट साफ़ एंड क्लीन रखें आप अपने अंडर गारमेंट्स को, गीले अंडर गारमेंट्स का यूज़ ना करें। तो आज के लिए फ्रेंड वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको जानकारी चाहिए।